हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल नॉन डॉट ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता हुआ है, मेरा नाम राहुल है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और अभी मैं हिमाचल के अंदर जॉब करता हूं। जॉब करना बोल रहा मतलब हमने अपना रिजॉर्ट किराए पे ले रखा है, रिजॉर्ट चलाने के लिए लीज भी ले रखा भाई, और रिजॉर्ट चलाते हैं रिजॉर्ट का रूम भी हूँ मैं, क्योंकि रूम लगा हुआ था और बगल वाला रूम भी लगा हुआ था, आप देख सकते हो। ये सब ऐसी वीडियो बनाते रहते, देखो देख रहे हो, ये देखो ये बंदों ने रात को, देखो ये देखो एक पैक बचा हुआ है, काम आएगा, चल कोई बात नहीं, एक पैक बचाओ। तो गाइस जैसे कि आपने देखा एक पैक बचा हुआ है इस पर, और तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रूम लगा हुआ था आप देख सकते हो मस्त तरीके से, और पूरा रूम अभी क्लीन करने के लिए है भाई, रूम में से कम ही है, शनिवार संडे शुक्रवार को हमारे पास रूम रहते हैं, बाकी ये रूम भी लगा हुआ था आप ये भी देख सकते हो मस्त तरीके से। मैं अभी इसको क्लीन ही कर रहा था क्योंकि भाई आपको तो खुद का बिजनेस है, तो ये क्या है बहन चौथ। अच्छा तो भाई मुझे पता है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट मैं आपका रूम क्लीन कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहो मेरे ब्लॉग में, और मैं आपको दिखाता हूँ रूम क्लीन कैसे करता हूँ भाई मैं यहाँ पे। या हल्का बेड शीट मैंने बिछा दी है, हल्का बेड शीट मैंने बिछा दी है, और मैंने सोचा इसके बाद ब्लॉग बना लेता हूँ, ब्लॉग बनाते बनाते मैं काम भी कर लेता हूँ, हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा और प्लस मेरा काम भी हो जाएगा। तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग में और आपको दिखाता हूँ रूम क्लीन कैसे करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा खुद का रिजॉर्ट भाई लिया हुआ चलाने के लिए, आप देख सकते हो मस्त तरीके से। सामने धूप जाने वाली है, ये देख सकते हो रिजॉर्ट मैंने चलाने के लिए लिया भाई, हम क्लीन करने के लिए बाल्टी, बाकी रूम क्लीन करना है, बगल वाला रूम क्लीन करना है, तो आप जुड़े रहो मेरे ब्लॉग में और काम भी हो जाएगा और अपना ब्लॉग भी बन जाएगा, क्यों तो बने रहो मेरे ब्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ओके। तो भाई मैंने आधा बेड शीट बिछा दी थी, आधा मैं बेड शीट अब बिछा लेता हूँ और ब्लॉग बनाते बनाते मेरा काम भी हो जाएगा, क्यों। भाई तो फाइनल दोस्तों मैंने बेड शीट बिछा दी, आप देख सकते हो मस्त तरीके से बेड शीट बिछा दी, और बाकी रूम ये भी क्लीन करने के लिए अभी देख सकते हो आप, सारा यहाँ भी बहुत कचरा पड़ा हुआ है, ये देखो ये सारा रूम क्लीन करने के लिए है, बाकी आप जुड़े रहो मेरे ब्लॉग में। बेड शीट मैंने बिछा दी, आप इसके ऊपर पिल्लो कवर वो डाल देता हूँ मैं, ठीक है, एक और छोटे वाले पिल्लो डाल देता हूँ, देखो आप तो फाइनली भाई आप देख सकते हो बेड पूरा रेडी हो चुका है, आप सामने देख सकते हो ये बेड पूरा रेडी हो चुका है, बाकी कमरा क्लीन करने के लिए बचा हुआ है, बाकी इस बेड की ये देखो कम्बल और रजाई, इस बेड की कम्बल और रजाई मैंने अलमारी पर रख दी है, और बाकी रूम क्लीन करने के लिए और बेड शीट मैंने बिछा दी है, देख सकते हो ये सामने ये इनका बिल पड़ा हुआ भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप इनका बिल पड़ा हुआ है, यहाँ से अपने खाने का बिल पड़ा हुआ है, बाकी ये दो साबुन पड़े हुए हैं हमारे जो रूम के दिए रहते हैं साबुन रूम वाले, ठीक है, और शैम्पू, बाकी ये इन्होंने नैपकिन, ये देख सकते हो आप ये कई चीज़ें रूम पे गिरी हुई है, इनको साफ करना क्लीन करना बिल्कुल एक नंबर, और आप देख जुड़े रहो मेरे ब्लॉग में, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं भाई मैं इतना बात कर पाऊँ, क्योंकि भाई मेरे पास काम बहुत रहता है, वैसे भी आज सोमवार है तो आपको पता है सोमवार को हमारा रूम अगर आ गया तो ठीक है, वैसे आप हिमाचल में मतलब टूरिस्ट थोड़ा शनिवार संडे शुक्रवार को ज़्यादा आते हैं, संडे टूडे करते घूमने के लिए नज़दीक नज़दीक, बाकी यहाँ पे जो भी है मतलब सिस्टम वो सारा अपने पास ही है, रूम देख सकते हो आप बस ढंग से बिछा दे, मैंने मजाक कर रहा हूँ, तो भाई चलते हैं और अगले अपने नेक्स्ट काम पे लग जाते हैं, आप बने रहो मेरे ब्लॉग में, बस देखो तुम भाई। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए वीडियो रोक के और मैं आगे अपना काम करके और आपको फाइनल क्लीन करके रूम पूरा आपको दिखाता हूँ रूम कैसे क्लीन हो जाता है,
और किस तरह का लगता है आप एक बार और भी देख सकते हो। इस टाइम यहाँ पे देखो कचरा कुचरा, ये देखो सारा कूड़ा कूड़ा गिरा हुआ, ये देखो। बाकी मैंने झाड़ू ला दिया यहाँ पे, इस टेबल के ये भी है, और बाकी बाथरूम भी थोड़ा हल्का क्लीन करने, क्लीन ही है मतलब, ये इतना गंदा नहीं है। आंटी आ जाएगी सफाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कूड़ा है, ये सारा क्लीन करके गाइस मैं आपको मिलता हूँ उसके बाद, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको, क्योंकि ब्लॉग कभी कभी लाना पड़ता है, और प्लस मैं बिजी रहता हूँ तो इसलिए ब्लॉग बनाने टाइम मेरे को इतना मिलता नहीं है। बाकी सामने कौवा की आस की थी, आप देख सकते हो सामने पेड़ पे, देख रहे हो दोनों को आस की चल रही है, देखो ये देखो सामने देख रहा आपको। तो भाई ये दो कौवा आपको दिख रहे हैं, इनके आस की चल रही है, और कौवों के लिए मैंने घर भी बना रखा है, आपको दिखाई होगा नीचे देखो। तो दोनों कौवों के लिए अलग अलग घर बनाया है, घर पे रहते हैं निशाले, क्या कर सकते हैं, बट रूम क्लीन करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको। तो फाइनली भाई मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया, आप देख सकते हो अच्छी तरह से पूरा रूम को, अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर दिया पूरा रूम, और ये आप देख सकते हो मस्त तरीके से, ये हमारे यहाँ बेबी ने बनाया हुआ सजाने के लिए, और बाकी ये रूम है, इसके अंदर टॉयलेट भी है, पूरा क्लीन हो चुका है पूरा रूम मस्त तरीके से। बाकी जहाँ पे कचरा कुचरा पड़ा होता सारा हटा दिया, और बाकी साबुन सोबुन मैंने इस पर डाल दिया है, और अब मतलब हल्का सा ये है कि ये बाकी ये अपना मेन्यू है, देख लो भाई ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी अपना मेन्यू है खुद अपने हाथ से बनाया हुआ मैंने, जो चीज़ अभी अवेलेबल की है मैंने यहाँ पे, ठीक है, जो चीज़ गाइस मैंने अभी अवेलेबल की है यहाँ पे, उसका मेन्यू मैंने आपको दिखा दिया है सब कुछ यहाँ पे। आप कभी चंडीगढ़ से या ट्रैवल करके यहाँ पे आते हो हिमाचल के अंदर, मतलब चंडीगढ़ से 1.5-2 घंटे का रास्ता पड़ता हुआ यहाँ पे, आप कभी ट्रैवल करने के लिए आते हो शनिवार संडे को घूमने के लिए, तो आप यहाँ पे आके ऑनलाइन विजिट करा सकते हो, ऑनलाइन रूम बुक करा सकते हो। बाकी रूम आपने देख लिया, मेन्यू देख लिया आपने, हल्का सा मेरा काम बचा हुआ, और काम क्या बचा हुआ कि शीशे पे कपड़ा मारने का, तो कैसे एक बार शीशे पे कपड़ा मार देते हैं मस्त तरीके से, आप देख सकते हो। तो भाई शीशे पे कपड़ा मार चुका हूँ, और अब काम इस रूम का क्लीन हो चुका है पूरा रूम, ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरा रूम, तो आप देख सकते हो पूरा रूम एक बार क्लीन हो चुका है पूरा मस्त तरीके से, और कुर्सी, और बाकी जो मेन्यू मैंने आपको दिखाया ये है सामने मेन्यू अपना, और बाकी इसका बाथरूम भाई रूम का पूरा क्लीन हो चुका है पूरा बाथरूम, और ये है सामने हल्का शीशे पे कपड़ा मारना है सामने, उसको मैं भूल गया, क्योंकि अधिकतर शीशे पे पानी के दाग दूग छोटे छोटे पड़ जाते ना, इसलिए कपड़ा मारना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी रूम कभी भी आ सकता ऑनलाइन है, ठीक है भाई। तो ऐसा ही तो फाइनली भाई ये शीशा भी क्लीन हो चुका है, और अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में, नेक्स्ट रूम क्लीन करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ सारा कुछ खुद ही देखना पड़ता है, खुद ही बोले तो, अब खुद का किराए प्लेयर का तो हम दूसरे को पैसे देके फायदा क्या, मैं खुद ही सारा काम कर लेता हूँ भाई, क्योंकि अपना दो पैसे बचेगा तो अपना ही फायदा है। और बाकी ये कि रूम लग जाते हैं महीने में 15 रूम 18 रूम 20 रूम आ जाते हैं महीने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता है। बाकी ये रूम आप देख सकते हो अभी, ये रूम भाई, अब इस रूम की बारी आ चुकी है गाइस क्लीन होने की, तो इस रूम को क्लीन करते हैं और फिर मिलते हैं आपको मजे से, देख लो आप। तो फाइनली गाइस आधा रूम साफ कर चुका हूँ, देख सकते हो आप बेडशीट बिछा दी थी, और बाकी सामान वहां रखा हुआ, कुछ यहाँ रखा हुआ, ये टब जलाया हुआ इन्होंने, और फाइनली आधा रूम क्लीन कर चुका हूँ। तब तक काली चाय बना के लेके आ गई, काली मतलब काली चाय बना के लेके आ गई, आप देख सकते हो, इसके लिए बोलो गुड़ वाली चाय बना के लेके आई, गुड़ अलग से लेके आ गए उठा के, फिक्की चाय बना के लेके आ गई है, और गुड़ अलग से लेके आ गए उठा के, इसको चूस वाले और चाय पी, अब देखते हैं इसका नजारा कैसा होता है मस्त तरीके से, ऐसा कैसा होना नजारा फिर पहले मजा नहीं आया दोबारा बेटा उसमें गुड़ घोल के लेगा तेरी कसम। तो भाई इसमें मजा आया नहीं, दोबारा चाय के अंदर गुड़ डाल के है ना बारीक बारीक चाकू से काट के, उसको बारीक बारीक चाकू से काट के जब तो देख सकते हो बेबी बैठी हुई यहाँ पे, और मैं अभी तक ये रूम क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बगल वाला रूम तो क्लीन हो चुका है सामने वाला, अब ये रूम क्लीन करने के लिए बचा हुआ, टॉवल टोल में डाल दे, बाकी हल्का थोड़ा क्लीन करने के लिए बचा हुआ, बेडशीट मैंने बिछा दिया सामने। तो मिलते हैं आपको चाय चुई पी के, और फिर बताते हैं आपको शाम का मौसम किस हिसाब से यहाँ पे हिमाचल में, और गढ़खल का मौसम किस हिसाब का है, और बाकी सामने देख सकते हो आप धूप जा चुकी है, हल्का हल्का दिख रहा होगा, सनराइज टाइप का दिखाई देने लग गया सामने, देख सकते हो आप
क्योंकि धूप जाने वाली है, इसलिए सनराइज टाइप का दिखाई देने लग गया सामने, आप देख सकते हो मस्त तरीके से। और थोड़ा देर बाद गाइस यहाँ पे सनराइज हो जाएगा, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद सनराइज दिखाएंगे आपको, और तब तक मिलते हैं और अपना काम कुम फिनिश करके फिर मिलते हैं आपसे, बात करते हैं फिर। और तब तक के लिए ठीक है, फिर मैं चलता हूँ चाय पीने के लिए, गुड़ गोड़ पी लेगा। तो फाइनली गाइस सारे रूम क्लीन हो चुके हैं, आप देख सकते हो सारे रूम क्लीन कर दिया मैंने, पूरा रूम आप देख सकते हो मस्त तरीके से, ठीक है। तो दोनों रूम क्लीन हो चुके हैं गाइस, अब चलते हैं नीचे और देखते हैं बाकी आगे सिस्टम। बाकी सारा कबाड़ा मैंने यहाँ डाल दिया बाहर, देख सकते हो, इसको कल क्लीन करेंगे। बाकी रूम आप देख सकते हो एक बार, और ये रूम भी देख सकते हो आप मस्त तरीके से। और बाकी जो इधर का सनराइज मैंने आपको बोल रहा था ना, सनराइज दिखेगा सनसाइड, तो सनसाइड आप देख सकते हो यहाँ पे मस्त तरीके से दिख रहा भी, अभी और तेज होगा वो। बाकी ये रूम भी क्लीन कर दिया मैंने, तो अच्छी तरह से दोनों रूम मैंने क्लीन कर दिए हैं, आप चलते नीचे और बाकी देखते हैं अपना सिस्टम। बाकी रूम मैंने दोनों क्लीन कर दिए हैं, चार्जर पैरों में आ चुका है गाइस, तो चलते हैं बाहर। और बाहर का मौसम कुछ इस टाइम इस तरीके का है, शाम का देख सकते हो आप, 5 बजे का मौसम कुछ इस तरीके से है। सामने चांद है देख सकते हो मस्त तरीके से, चांद चंद्रमा लगा हुआ है, और बाकी सनराइज सामने सनसाइड देख सकते हो आप सामने सनसाइड पॉइंट, तो सनसाइड पूरा आपको सनसाइड दिखाई दे रहा है सामने जो भी है। अभी और ज़्यादा मतलब अभी जैसे जैसे धूप छुपेगी तो और ज़्यादा सनसाइड आपको दिखाई देगा। बाकी रूम मैंने क्लीन करते हैं, बाहर की सफाई कल करेंगे। वो चलते हैं अभी नीचे कमरे में और देखते कुछ और। बाकी चाय पी लिए गुड़ वाली मैंने बढ़िया करके, रूम भी साफ कर दी है, तो चलते हैं नीचे अपने रूम पे। हम ये हमारा रूम है सामने आप देख सकते हो, बाकी ये हमारा रूम है और यहाँ पे किचन का, और बाकी कौओं के लिए मैंने घर जो ऊपर से दिखा रहा था आपको, ये सामने देख सकते हो एक ही घर। तो गाइस दो घर कौए के लिए मैंने बना दिए हैं, बाकी चलता हूँ आगे और मिलता हूँ आपको नाइट में। तो गाइस देख सकते हो आप हमारे होटल का नाइट का व्यू, जो मैंने गेट पे फ्रंट में लड़ी लगाई है, वैसे भी आपको पता ही है ये सारी लड़ियां मैंने खुद लगाई है, ऊपर नीचे सारी येलो कलर की जो भी लड़ियां लगी है मैंने खुद लगाई है। और ये नाइट का व्यू हमारे होटल का मस्त तरीके से आप देख सकते हो, और जो ये रास्ता जाता है ना ऊपर से, इधर भी मैंने लाइटें लगाई हुई है, इस पर मैंने येलो कलर की लड़ी लगाई हुई है, आपको दिखाता हूँ मस्त तरीके से। ये थोड़ा मरकरी चमक रही ऊपर से, बाकी लड़ियाँ देखो क्या गजब दिख रही है भाई, बहुत गंदी तरीके से ये येलो कलर की लाइट आप देख सकते हो मस्त तरीके से। यहाँ से ज़्यादा तो ही नहीं मेरे पास, इतनी ही थी मेरे पास, अब ज़्यादा लोग कलर की लाइट और लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख सकते हो जितना हमसे हुआ उतना हमने यहाँ पे डेकोरेशन किया मस्त तरीके से, आप देख सकते हो लड़ियाँ लुड़ियाँ लट्टें वट्टें जो भी है सिस्टम वो सारा हमने यहाँ ठोक दिया है भाई। बाकी आप देख लो यहाँ का मौसम ठंडा हो रहा, बहुत चिल्ड वाला ठंडा हो रहा भाई, और चला नहीं जा रहा भाई ठंड में यहाँ पे देख लो। बाकी मैं आपको दिखाने के लिए इतना नीचे आ चुका हूँ, आप देख सकते हो फ्रंट से कैसे दिख रहा है और पीछे से कैसे दिख रहा है, और येलो कलर की लड़ियाँ हैं जो बहुत मस्त तरीके से दिख रही है आपको, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे खाली जगह देख सकते हो, यहाँ पे होटल बनेगा और ऊपर हमारे होटल का व्यू देख सकते हो आप येलो कलर। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं आपको मॉर्निंग टाइम में, और मॉर्निंग हो चुकी है आप देख सकते हो क्या प्यारा सनसाइड सुबह के टाइम पर यहाँ पे दिखाई देता है मस्त तरीके से। इसी को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, इतने पैसे खर्च करके इसी को देखने के लिए आते हैं यहाँ पे हिमाचल में, आप देख सकते हो क्या प्यारा सनसाइड दिखाई दे रहा है मस्त तरीके से भाई। और ज़्यादा कुछ ना दिखा के अब मिलता हूँ आपको चाय चुई पी के, और